मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है सबके। नमस्ते। तो अभी हो रहा है सुबह का 4:30 बज रहा है, 4:35 टू है ना। तो अब उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद बैठ के अपन अभी पढ़ेंगे दबावे। आज से अपन ने थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने का कोशिश करने की ट्राई करी है। वो वाला नहीं कि टाइम स्लॉट्स वगैरह बनाना है, पर अब जिस भी समय मतलब टाइम स्लॉट्स तो रहेंगे कि कम से कम 2-2.5 घंटे का एक बार बैठ करना तो करना ही पड़ता है ना यार। ये नहीं आधे आधे घंटे में तो फिर मज़ा नहीं आता। पर अपन इस बार अलग तरीके की क्या कोशिश करने वाले हैं कि अपनी साइड में एक ना टाइमर नहीं बल्कि स्टॉप वॉच चलेगी, कि उस स्टॉप वॉच पे कम से कम आपको अपना जो भी टाइम सोचा 6 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे आज ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम टाइम खींचने की कोशिश करूँ, वो तब तक चलेगी जब तक अपन ने पढ़ना है। कल ही देखा है कि चीज़, ये भी बढ़िया तरीका लगा मुझे कि कम से कम उससे आपको पता रहेगा कि हाँ इतने घंटे आपने खींच लिया है। ये भी ट्राई कर सकते हैं कि नहीं है। चलो जी वापस अपने काम पे लगते हैं। तो यार सुबह का जो अपना होता है पहला सेशन, ये मैं ट्राई करता हूँ कि वो सब्जेक्ट पढ़ें जिसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब याद करने वाला है, अपने आप को समझने वाला है, वो वाला सब्जेक्ट हो। तो सबसे पहले मैं सुबह उठाता हूँ अपना सोशियोलॉजी का ऑप्शनल। अभी मैं अपने नोट्स के साथ कर रहा था, पहले भी आपको बताया था कि नोट्स देख रहा हूँ, उसके साथ साथ फिर बाद में मैं एक बार शाम के आसपास बुक को भी पढ़ूंगा और देन आई विल मेक माई ओन नोट्स आउट ऑफ देम। मतलब बिल्कुल छोटे कर दूंगा, कंसाइज कर दूंगा, तब कि आखिरी वाला होता है ना टाइम यार, ये आधे घंटे में सारा हो जाए, उस हिसाब से करने का अपना टारगेट रहेगा। यार अभी मेरी नज़र गई कि जो अपनी स्टॉप वॉच है ना, 1 घंटे के बाद वापस से 5 मिनट मतलब 1 घंटे 5 मिनट समथिंग पे है, तो ये डायरेक्टली उसको वापस से 5 मिनट कर देती है 1 घंटे के बाद, मतलब रीस्टार्ट हो रही है। तो फिर अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, पता चल जाएगा 1 घंटे के बाद। मैं लिख दूंगा कहीं मैं जैसे फर्स्ट आवर हो गया कैसे हो गया है ना, उसी हिसाब से चलेंगे फिर। वन इज़ डन, लेट्स गो विद इट, आगे चलते हैं। 5 मिनट का लिया जी ब्रेक, ग्रीन टी आ गई अपनी, थोड़ी हल्की हल्की आँखें भी लग रही थी। यहाँ रख लिया अपने ने, अपन ने अपने चने थोड़ा सा फुल रखें। 5 मिनट के ब्रेक में मैं वो वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद वापस। अगर नींद से उठने के लिए मैं कहा पहले एक बार कॉफ़ी पीते हैं फिर आगे का काम शुरू करें। यार अब आगे थोड़ा सा वॉक पे, अपने को आ रही थी हल्की फुल्की नींद, मैं कहा नींद से अच्छा है कि वॉक कर लें ताकि रात को सही टाइम पे सोएं। तो करते हैं सर। ओए हची देख के नहीं राजी हच को, चलो ये देख लो हम सैर कर रहे हैं और हमारा डॉगी हचो कम ऑन हम मस्ती कर रहे हैं मम्मी के साथ, कम ऑन हची। पर ये महाराज कहाँ किसी की सुन के राजी हैं। Come on, cutie pie, आजा जी। हाँ बस टग ऑफ वॉर चल रही है आची, हैं आची हाय हचको आजा बेटा आजा बेटा। फॉक्स से आने के बाद थोड़ा सा समय अपने को मिला था, मैं कहा चलो भाई थोड़ा सा ही सही टाइम ना खराब करें, क्योंकि टारगेट थोड़ा बड़ा था कंप्लीट करने के लिए, तो थोड़ा हल्का फुल्का करंट अफेयर उठाया जी। अब अपना हो गया है ब्रेकफास्ट, लेट हुआ है थोड़ा सा, तो अब अपना चल रहा है अगला सेशन। अराउंड बज रहा है 11 बज रहा है आसपास, तो अब बैठेंगे करंट अफेयर्स वापस। मैं 15-20 मिनट हो गए थे, नहीं आधा घंटा हो गया था करीब, पहले खाने के बीच में गैप था, तो मैं कहा एक्स्ट्रा टाइम है तो क्यों ना यूटिलाइज़ कर लें, क्योंकि 10 घंटे का पहुंचना है किसी भी हालत में। फिर अब अगला करते हैं 1 घंटे के आसपास, 11 से 12 तक वो करूँगा करंट अफेयर्स, उसके बाद उठाऊँगा अपनी पॉलिटी। चलो शुरू करते हैं यार। ये जो करंट अफेयर्स का मेरा जो बैकलॉग है ना, कसम से इसने इतना तंग करा ना, इतना तंग।
मैं तो यही कहूँगा, वैसे तो बैकलॉग लगाना ही ना, पर मेरा एक्सीडेंट वगैरह के चक्कर में जो 2 महीना ख़राब हुआ उसने बहुत तंग कर रहा है अभी मेरे को। अभी ऊपर आ रहा हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के, और देख रहे हैं कि कैसे सो रहे हैं। क्या हाल है इनके? हाँ जी, ओए गजब नींद में भाई। भाई अपना छोटा भाई आ गया है, ये लेके आए हैं हमारे लिए एक लच्छा पराठा। घर पे बना रहे थे, मैंने वीडियो कॉल कर ली तो मैंने चुपके से कह दिया मेरे लिए भी ले आ। भाई मुंह क्यों करते हो तुम, यूँ दिख रहे हो शीशे में, दिख रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अच्छा बात तो सुनो, और एक और चीज़ भाइयों और बहनों, मेरे को मेरी वॉच मिल गई है आफ्टर एक्सीडेंट। अब जाके मिली है मेरी सैमसंग गलेक्सी वॉच, तो अब इसको बस चार्ज करूँगा और फिर पहनेंगे, फिर चेंज करेंगे। तो यार यहाँ पे मैंने कहा, मैं कहा चलो सोशियोलॉजी की एक बार बुक वाला भी देखना था तो वो कर लेता हूँ। मैं यूजुअली थोड़ा गैप लेता हूँ नोट्स और बुक में, ताकि एकदम से बिल्कुल फ्रेशिंग ना हो और बाद में याद रखूँ। गाइज अभी टाइम हो रहा है अपना 7:15, अभी तक सुबह से अभी में हो गए हैं अपना 7 आवर्स 40 मिनट्स की पढ़ाई। बीच में गैप वगैरह भी लगा है क्योंकि अब 10 घंटे वाला अपना शुरू करने का काम करा था फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए। होता है नेक्स्ट डे और बेटर काम करेंगे। अभी 2 घंटे की ऐसे क्लास है, अगर तो होती है तो टारगेट हो जाएगा कंप्लीट। नहीं भी होती है तो भी मैं अपना अभी मॉडर्न कंप्लीट कर दूंगा, कि मॉडर्न 2 घंटे के आसपास पढ़ूंगा, तो कोशिश है कि 10 घंटे का आज भी हो जाए, अदरवाइज़ अब तो है ही है ना यार, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी, नहा के आ गए हैं, कल कोशिश करेंगे कि 10 घंटे तो अपना पढ़ें और 2 घंटे की क्लास अलग हो, तो ट्राई करेंगे 12 घंटे का टारगेट अगले दिन। मतलब ब्लॉग में थोड़ा लेट लेट डालता हूँ क्योंकि हर दिन भी नहीं बना सकते, अपना काम पे भी ध्यान देना होता। तो अब जो भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा दैट विल बी फॉर 12 आवर्स ऑफ स्टडी। तो यारों आज का टारगेट हो गया कंप्लीट, अभी हो रहा है 9:55, अपन आ गए हैं बेड पे, खाना हो गया, क्लास हो गई, क्लास होगी थी 9:30 ख़त्म, तो 7 घंटे कितना था, 20 पता नहीं 30 मिनट ऐसा कुछ था पहले, ऐसे कुछ था। उसके बाद 2 घंटे की क्लास हो गई थी, इस बार मैंने क्लास इंक्लूड करी है। कल से आई ट्राई कि 7:20 की जगह 8:20 पे पहुँचें और फिर क्लास का हो, क्या नहीं ऐसे करेंगे एंड ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि 10 घंटे पहुँच जाए, 9:30 के आसपास पहुँचें। कल 10 कंप्लीट करना ही करना है। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। कल अब सुबह जल्दी उठना है तो फिर अलविदा।